Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all the remaining part of our chapter, that is chapter 8 from your English book. So without getting any further delay, let's get started. Professor Bogle, now I understand, are there more stories like this? Tell me some more, please Professor, begged Candy Jane. तो जब प्रोफेसर जो है वो कैंडी जैन को स्टोरी सुनाते हैं पेंडोरा के बारे में, तो कैंडी जैन जो है उसे बहुत कुछ समझ में आने लगता है, तो वो और इंसिस्ट करती है, फोर्स डालती है प्रोफेसर पे कि वो उसको वैसी ही कोई और भी स्टोरी सुनाए। तो प्रोफेसर जो है वो एग्री करते हैं और वो बोलते हैं आई टेल यू वन मोर एंड अदर्स यू विल हैव टू फाइंड ऑन योर ओन। मैं तुम्हें एक और सुनाऊंगा, बाकी स्टोरी तुम खुद से उसको ढूंढना। Professor, long ago Midas was the king of Pisinus. He asked one companion of Dionysus, a god, to grant him the gift of turning whatever he touched into gold. तो बहुत समय पहले की बात है, Midas was the king of, Midas जो कि king थे कहाँ के, तो Pisinus के। तो वो जो है वो Dionysus नाम के god का प्रे करते हैं, जो कि खुश होकर के वो Midas को एक पावर देते हैं। पावर ये कि वॉट एवर ही टच्ड इन टू गोल्ड, मतलब वो जो भी टच करेंगे, कुछ भी वो टच करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा इन गोल्ड, सोने में। मिडास वॉज ग्रांटेड हिज विश, मिडास को वो विश मिल गई, ये चाह भी रहा था वो, उसने अपने गॉड के सामने अपना विश रखा, गॉड मान गए। सो एवरीथिंग डैट किंग मिडास टस्ट, फूड वाटर एंड फ्लावर्स टर्न इन टू गोल्ड। तो मिडास जो है वो जो भी चीज़ वो छू रहा था वो कन्वर्ट हो रहा था गोल्ड में, चाहे वो फूड ही क्यों ना हो, वाटर हो या फिर फ्लावर्स ही क्यों ना हो। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, वो मतलब अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो मतलब खुद से खाना भी नहीं खा सकता था। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम एंड ही वॉज ग्लूमी, एक दिन क्या होता है उसकी डॉटर जो होती है उसको टच कर देती है, तो उसके बाद वो जो एकदम सैड हो जाते हैं। सैड क्यों, गेस करिए क्या हुआ होगा। सी टर्न इन टू गोल्ड, वो सैड इसीलिए हो गए क्योंकि उनकी जो डॉटर है वो टर्न हो गई किस चीज़ में, तो गोल्ड में बदल गई वो। कैंडी जैन टू द स्माइलिंग प्रोफेसर, ये कैंडी जैन ने आंसर दिया। नाउ अ पर्सन हु इज ऑलवेज लकी सेड टू हैव द मिडास टच, तब से इस इंसिडेंट के बाद से कोई भी पर्सन जो कि हमेशा लकी होता था उसको मिडास टच कहा जाता था, ये प्रोफेसर बुगल ने बताया। बट प्रोफेसर व्हाट हैपेंड टू द डॉटर, आस्क्ड कैंडी जैन। तो कैंडी जैन को काफ़ी लग रहा था कि ये तो हो गया चलो मिडास के बारे में, पर उसकी बेटी का क्या हुआ फिर उसके बाद। हम आफ्टर मिडास डॉटर वॉज टर्न इन टू गोल्ड ही हेटेड द पावर दैट ही हैड आस्क्ड फॉर। और जैसे ही मिडास की बेटी जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गई, तो मिडास को जो पावर मिली थी कन्वर्ट करने वाला, उससे वो हेट करने लगा। ही प्रे टू डियोनीसस हु टोल्ड मिडास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पेक्टोलस। तो उसने प्रे किया उसी गॉड से जो गॉड ने उसको ये ग्रांट किया था विश, तो वो आकर के इसको बोलते हैं कि तुम अपने आप को वॉश करो, कहाँ पर, तो एक रिवर में जिसका नाम है पेक्टोलस। व्हेन किंग मिडास डिड सो हिज पावर वॉश्ड अवे, पर उन्हीं के अकॉर्डिंग जब किंग मिडास ने उनका रूल फॉलो किया, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया, वो गए पेक्टोलस रिवर में अपने आप को वॉश करने के लिए, तो उनका वो पावर जो था वो भी वॉश्ड अवे हो गया, धुल गया एंड फ्लोड इन टू द रिवर, बह गया रिवर में। एंड एवरीथिंग दैट मिडास हैड टर्न इन टू गोल्ड टुक इट्स ओल्ड फॉर्म, फिनिश द प्रोफेसर। और जो भी मिडास को पावर मिली थी वो चले गया, वो जैसे पहले नॉर्मल था वो वैसा ही हो गया। सडनली कैंडी जैन स्टार्टेड क्लैपिंग एंड लाफिंग, फिर जैसे ही प्रोफेसर ने इंड किया तो कैंडी जैन जो है वो तालियां बजाने लगी, हंसने लगी। वॉट इज़ सो फनी लिटिल वन, क्विज़्ड प्रोफेसर बुगल। प्रोफेसर बुगल को काफ़ी अजीब लगा, तो उसने क्वेश्चन किया कैंडी से कि इसमें फ़नी क्या है लिटिल वन। ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिडास ऑल्सो टेल्स अस इट इज़ बैड टू वॉन्ट मोर। तो वो बताती है कि ये जो स्टोरी है मिडास वाली, ये भी हमें यही बताती है कि हमें किसी चीज़ का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा जो है ज़्यादा उसका मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए इन अ बैड वे। दिस इज ऑल्ड स्टोरीज और आर ऑल आर सो यूज़फुल फॉर आवर एवरीडे सिचुएशंस। और ये जो ओल्ड स्टोरीज है ये यूज़फुल है हमारी एवरीडे सिचुएशन, मतलब पुरानी स्टोरी जो है हमें कुछ ना कुछ सिखाती है हमारी एवरीडे रूटीन में, सिचुएशन में। कैंडी जैन ने ये बात बताई। स्माइलिंग प्रोफेसर बुगल रिप्लाइड यस दे आर, तो हंसने लगे प्रोफेसर बुगल की चलो इतनी छोटी सी लड़की को मेरा वो जो लेसन था वो समझ में आ गया। मिथ्स आर स्टोरीज अबाउट पास्ट, तो प्रोफेसर बताते हैं मिथ जो होते हैं वो स्टोरी होते हैं किससे रिलेटेड, तो पास्ट जो बीता हुआ है। स
Sometimes they tell stories of the heroes of a culture. और कभी कभार जो myths हैं वो story बताते हैं किसके heroes के. Sometimes they are about imaginary people or creatures. और कभी कभार वो story बताते हैं imaginary people के जो really में होते नहीं हैं और creatures. Through these stories we learn about the rules of the society. कुछ myths जो होते हैं वो story बताते हैं किसके जो हमारे society में जो rules हैं उसके उससे related. And also the way they lived. और जैसे हम लोग रहते हैं उसके बारे में. Every culture has its own mythology. सभी culture का अलग अलग mythology होता है, सबका same नहीं होता है. That is so wonderful. I want to know more, said the excited Candy Jane. Candy Jane ये सब सुन के बोलती कि कितना wonderful है, मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ. Candy Jane, you go to the library and find out what Achilles Hill. तो वो professor जो है वो उसको बोलते हैं कि तुम अब library जाओ, वहाँ पे जाके पता करो कि Achilles Hill किसको कहते हैं, Herculean effort किसको कहते हैं, Hot as heads mean मतलब क्या होता है. Candy Jane found Greek mythology so interesting that she went to the library to find the answers. Candy Jane को Greek mythology इतना ज़्यादा interesting लगा कि वो गई library ये सारे question का answer पता करने के लिए. I think this video will be helpful for you. We will meet in our next video. Till then stay safe, stay home, good luck.